हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरसी और जीटी के बीच खेला गया एपीएल मैच के बारे में। आरसीबी ने बहुत इजीली तरीके से इस मैच को जीत लिया 13.4 ओवर में। आरसीबी ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। जीटी की टीम आई बैटिंग करने, जीटी ने बनाया 146 रन 20 ओवर में, ऑल आउट हो गई जीटी। आरसीबी की टीम शुरू से ही हावी रही, उस पर पावर प्ले में 4 विकेट गिरा दिए। फिर आरसीबी की टीम बैटिंग करने आई तो पावर प्ले में 92 रन बना दिए। पता नहीं आरसीबी को क्या हो गया था आज, समझ नहीं आया कुछ भी। चलिए देखते हैं कि किसने कितने विकेट लिए, किसने कितने रन बनाए, जानते हैं डिटेल। आरसीबी की टीम ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। गुजरात की तरफ से साहा और सुमन गिल आए ओपन करने। साहा ने बनाए 1 रन 7 बॉल पे, सुमन गिल ने बनाए 7 बॉल पे 2 रन। फिर आते हैं साई सुदर्शन, साई सुदर्शन भी 14 बॉल पे 6 रन बनाए, टॉप ऑर्डर चला ही नहीं इनका। शाहरुख खान 24 बॉल पे 37 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्के की मदद से रन आउट हो गए ये भी। डेविड मिलर ने 20 बॉल पे 30 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के लगाए। राहुल तेवतिया ने 21 बॉल पे 35 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्के लगाए। राशिद खान 14 बॉल पे 18 रन, 2 चौके 1 छक्के लगाए। विजय शंकर 7 बॉल पर 10 रन 2 चौके लगाए। बाकी कोई रन बनाया नहीं इनके टीम से। तब ऐसे ही हाईएस्ट रन गेटर थे राहुल तेवतिया, 35 रन जो बनाए थे किस बॉल। देखते हैं आरसीबी के टीम में किसने कितने विकेट लिए, किसने कितने ओवर। सिराज ने 4 ओवर डाले, 4 ओवर में 29 रन दिया, 2 विकेट लिया। यश दयाल भी 4 ओवर डाले, 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिया। ग्रीन ने 4 ओवर डाला, 28 रन देकर 1 विकेट। विजय कुमार ने 3.3 ओवर डाला, 23 रन देकर 2 विकेट। करण शर्मा 3 ओवर डाले, 1 विकेट मिला इनको। फिर आती है आरसीबी की टीम बैटिंग करने। आरसीबी की टीम की तरफ से आते हैं डुप्लेसिस और विराट कोहली, बहुत चमकदार स्टार्ट करते हैं। 23 बॉल पर 42 रन बनाए कोहली, 4 छक्के और 2 चौके लगाए। अब डुप्लेसिस मात्र 23 बॉल पे 64 रन, 10 चौके और 2 छक्के लगाए। विल जैक्स जल्दी आउट हो गए, 3 बॉल पे 1 रन। पटेदार जल्दी आउट हो गए, 3 बॉल पे 2 रन। मिक्सवेल 3 बॉल पे 4 रन। इमरान गिरीन 2 बॉल पे 1 रन। 12 बॉल पर 21 रन बनाए दिनेश कार्तिक, 3 चौके लगाए। बाकी देखते हैं इसको कितना विकेट।